जानी मानी जलवायु कार्यकर्ता और स्वीडन की नागरिक ग्रेटा थनबर्ग को स्वीडिश अदालत ने ही दोषी करार दिया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। जलवायु की बेहतरी के लिए काम करने वाली 20 वर्षीय कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग 24 जुलाई को दक्षिणी स्वीडन के शहर मेल्मो में अदालत में पेश हुई। 19 जून को मेल्मो बंदरगाह के तेल टर्मिनल में थनबर्ग और उनके साथियों ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रुप टाट टेल्बा का फ्रेमटेडिन, जिसका मतलब होता है रिक्लेम द फ्यूचर, ने एक रैली आयोजित की थी जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल का विरोध किया गया था। उन लोगों ने मेल्मो बंदरगाह के एंट्री और एग्जिट को ब्लॉक करके यातायात रोकने की कोशिश की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को वहां से हटने को कहा था, लेकिन ऐसा न करने पर थनबर्ग और उनके साथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। थनबर्ग ने मेल्मो अदालत में ये तो स्वीकार किया कि उन्होंने प्रदर्शन वाली जगह से हटने के पुलिस के आदेशों का पालन नहीं किया और ट्रैफिक रोका, लेकिन ये भी कहा कि जलवायु संकट के खिलाफ विरोध करना भी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। खबरों के मुताबिक अदालत ने उनको दोषी ठहराया और स्वीडिश करेंसी में 1500 क्रोनर का जुर्माना लगाया। साथ ही उनको अपराध पीड़ितों के लिए स्वीडिश फंड में अलग से 1000 क्रोनर भी देने होंगे। आपको बता दें कि महज 8 साल की उम्र में ही ग्रेटा ने जलवायु परिवर्तन के बारे में काम करना शुरू कर दिया था और 2018 में 15 साल की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश संसद के बाहर साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन करने के बाद लाइमलाइट में आ गई थी। इस वीडियो पर अपना रिएक्शन कॉमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।